गाइस फाइनली पहुंच गया है खाटू श्याम जी, और यहाँ पे बाइकें खड़ी बहुत सारी, तो हम लोग बाइक खड़ी कर लेते हैं यहाँ पे और पर्ची वर्ची कटा लेते हैं, फिर उसके बाद में अंदर चलते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यार, पूछो मत यार, मतलब हम लोग यहाँ के हैं होकर भी हम लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, और लोग पता नहीं पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, MP से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। और रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने पहले ही करवा लिया था, तो आज का था हमारा, तो हम लोग आज आ गए। और गाइस ये लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद ले लेते हैं फिर चलते हैं मंदिर। भक्तजनों की भीड़ जो है बहुत ज़्यादा हो रखी है। गाइज यहाँ पर ज़्यादातर बाहर के लोग ही आपको दिखाई देंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं यहाँ पे। प्रसाद ले लिया, अब चलेंगे मंदिर में, और मंदिर में जाकर के पूजा वूजा करते हैं, आरती शायद अभी होने वाली है, देखते हैं चलते हैं। चल रहे हैं अभी तक एंड रिवाज तक स्टार्टिंग की है, इतनी देर चले जा रहे अभी भी बहुत सारा पड़ा है। गाइस यहाँ पे जो लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी है, और ये देखो काना क्या कर रहा है, काना खेल रहा है, दिखा भाई, तीन पत्ती खेल रहा है काना, शॉप है। अभी लाइन बहुत लंबी है, एकदम आगे तक जाना है, अभी यहीं फंसे पड़े हैं, और पीछे से चल के आए थे उधर, अभी बहुत आगे जाना है। बोल रहा है कि अभी हम लोग फूलों का दुकान खोलेंगे यहाँ पे, और बहुत अच्छी चलेगी, बाबा के पास भी रहेंगे, और बिजनेस भी चलेगा। क्यों क्या काना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था यहाँ पे, इसका नेट चलना बंद हो गया, कह रहा मेरा नेट ही चल रहा, मैं गेम कैसे खेलूँ। भाई जब थोड़ा पास पहुँच भी गए हैं, और अभी आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखते हैं क्या होता है, देखते क्या, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे नहीं लग रहा कि भाई दर्शन हो पाएंगे जल्दी। टीम की आज संडे है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा, मतलब डबल ही भीड़ हो गई है ना, डबल भीड़ हो गई गाइस, आज संडे मना रहे लोग बाबा के दर्शन को आए, फाइनली एकदम करीब पहुंच गए हैं मंदिर के। बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए हैं, अब यहाँ से हम लोगों को स्कैन किया जाएगा, फिर आगे भेजा जाएगा। गाइस प्रोसेस जो है बहुत ही लंबा है यार, अभी यहाँ पहुँच गए हैं, पता नहीं वहाँ से लाइन रोटेट होके इधर घूमेगी,
फिर जाएंगे वहाँ पे और वहाँ सीधा अंदर। गाइस हम लोग डेढ़ घंटे से यार लाइन में लगे हुए थे, डेढ़ घंटे या दो घंटे बाद में हमारा नंबर आया और जब वहाँ पे दर्शन के लिए गए तो यार बस ऐसे दिखाया और साइड में कर दिया। मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा जो अंदर भी थे दर्शन कर रहे थे, पर मुझे पता नहीं शायद वो VIP लोग होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन यार ऐसे अच्छा नहीं लगा। मतलब डेढ़ दो घंटे यार लगा करके गए दर्शन करने के लिए, बस दिखाया तुरंत तो साइड में हो जाओ, कह रहे साइड में हो जाओ, और रिकॉर्डिंग तो करने भी नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया, बोला नहीं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप, फोन को जेब में डाल लो। और यार ऐसा हर बार हुआ है और ऐसा ही होता आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप कभी भी पवित्र जगह जाते हो, किसी भी भगवान के पास जाते हो आप मंदिर में, तो यार लाइन में लग के जाते हो, समय लगा के जाते हो, उसके बाद दर्शन करने का कुछ अलग ही मज़ा आता है। अगर आप तुरंत ही गए और दर्शन किया फिर वो मज़ा नहीं है। अगर आप लाइन में लग के जा रहे हो, थोड़ा पेशेंस रख रहे हो और समय लग के फिर जा रहे हो दर्शन कर रहे हो तो मज़ा आता है। लेकिन यार वो चीज़ गलत हो गया अपने साथ की, अपने को ना, अपने को क्या मतलब सभी को ही, ऐसा कि बस तुरंत देखा और बोला चलो साइड में हो गया, तो यार ये चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगा। खाड़ू श्याम जी के दर्शन कर लिए हैं और प्रसाद भी ले लिया, ये एक मोर का पंख लिया और अभी चलते हैं घर पे। जो भी था सफ़र ठीक था, अच्छा था, दर्शन कर ही लिए। मुझे नहीं पता कि व्लॉग कैसा मैंने शूट किया है, अब एडिटिंग के बाद में देखते हैं क्या सीन है, उसको किस तरह से करते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आज संडे था और संडे में यार फिर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब डबल हो गई थी, डबल एकदम भीड़। तो यार इस वजह से फिर मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील किया भीड़ की वजह से, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और कुछ कुछ जगह पे वीडियो के लिए शायद परमिशन भी नहीं थी तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन जितनी कोशिश थी मैंने की और अभी जो है वो आप लोग के सामने है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।